हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकंड ईयर का पेपर वन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी यार्न कंस्ट्रक्शन की। देखिए, अब तक हम बात कर चुके हैं फाइबर की, कि फाइबर की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, कैसे उसको क्लीन किया जाता है और उसको कैसे प्रोक्योर किया जाता है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने यार्न मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर ली है। यार्न मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी हमने बात कर ली कि किस तरीके से फाइबर टू यार्न बनाया जाता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो आएगा फैब्रिक कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कि वस्त्र का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, ये लास्ट स्टेज होती है जिसके अंदर हम फाइबर का यूज़ करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं, फिर इसके बाद सारी फिनिशिंग प्रोसेसेस शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए, कपड़े का जो निर्माण किया जाता है, फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन, इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे रेशों को इकट्ठा करके और फिर उससे यार्न बनाते हैं, यार्न से धागे बुनाई करके बनाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम फाइबर से यार्न बनाएंगे और यार्न से फैब्रिक बनाएंगे, फाइबर से भी सीधा फैब्रिक बन सकता है। ठीक है, इसके लिए भी हमारे पास में कई सारी मैथड्स हैं, है ना। क्योंकि क्या है कि देखिए, जब तक हम इसके अंदर विविधता नहीं लेकर के आते हैं ना, तब तक कुछ नयापन नहीं आता है, और नयापन नहीं आता तो व्यक्ति बोर हो जाता है उससे। ठीक है, और नए नए आविष्कार करना तो बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए क्या है कि फाइबर टू फैब्रिक भी बनाया जाता है, है ना। तो देखिए, बहुत पुराने टाइम से ही जो फैब्रिक कंस्ट्रक्शन है या क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन की बात चलती आ रही है। ठीक है, देखिए, हमारे जो पुराने पूर्वज थे, जो बहुत सालों पहले थे, तो वो क्या करते थे कि देखो, जैसे पत्तों को बांधते थे, छालों को बांधते थे, आदिवासी लोग किस प्रकार से करते थे, तो पहले इसी तरीके से ये लोग कपड़ों को पहनते थे। ठीक है, फिर इन्होंने धीरे धीरे देखा कि चिड़ियाएँ जो होती है नेचुरली कैसे अपनी चोंच में कहीं से तिनका लेकर के आती है और उस तिनके को अपनी चोंच से एक दूसरे में उलझा करके वो कैसे उसकी बुनाई करती है। तो धीरे धीरे जैसे उन्होंने ये सब चीज़ें देखी ना, तो उनको लगा कि यार, हम भी कुछ चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं इस प्रकार से। तो उन्होंने क्या किया, जैसे टोकरियाँ बनाना है, ठीक है, चटाइयाँ बनाना, दरिया बनाना, ऐसी ऐसी चीज़ें, कुछ छोटी मोटी चीज़ों को बनाने लगे, और फिर धीरे 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 वो वस्त्र को भी निर्माण करने लग गए थे। ठीक है, वस्त्र की बुनाई किस प्रकार से करते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने नई नई मेथड्स को ढूंढना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब देखिए, जो फैब्रिक कंस्ट्रक्शन में बेसिकली जिन जिन मेथड्स का यूज़ किया जाता है, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये तीन तरीके से फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, जो इसका बहुत ही वास्ट क्लासिफिकेशन है, जिसको हम छोटे रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला तो है बिना रेशों द्वारा वस्त्र का निर्माण। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो हमने बात करी थी भाई फाइबर है तो भी तो यार्न बन रहा है, उसी से फैब्रिक बन रहा है, या फिर फाइबर से डायरेक्ट फैब्रिक बन रहा है, लेकिन हम बिना रेशों के द्वारा कैसे वस्त्र का निर्माण करेंगे। तो इसके भी कुछ मैथड्स हैं, आप डेली यूज़ में इन जो हम इसका एग्जांपल देंगे ना, इन चीज़ों का आप डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, तो आपको अपने आप से पता चल जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें तो हम यूज़ करते हैं जिसमें रेशों का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, दूसरा है रेशों द्वारा वस्त्र का निर्माण। ठीक है, ये इसका दूसरा टाइप हो गया। और तीसरा है सूत के द्वारा वस्त्र निर्माण। सूत मींस आपका जो यार्न है उसमें। ठीक है, रेशे हो गया फाइबर, और बिना रेशों के मींस हम किन चीज़ों का यूज़ करेंगे, अभी आप पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए, इन सभी चीज़ों में देखो, चाहे बिना रेशों के है, चाहे रेशों के, चाहे सूत से है, हम बनाएंगे, फैब्रिक का ही निर्माण करेंगे। ठीक है, वस्त्र का ही निर्माण करेंगे इससे। अब क्या है कि देखो, बिना रेशों के चीज़ बनाओगे ना, तो वो इतने ज़्यादा टिकाऊ नहीं होगी। रेशों से बनाओगे तो वो ठीक ठीक टिकाऊ होगी, सूत से बनाओगे बहुत टिकाऊ होगी, खूब काम भी आएगी। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कमज़ोर और लेस स्ट्रेंथ वाली बिना रेशों वाला वस्त्र होता है। ठीक है, अब देखिए, बिना रेशों के हम जो
सामान का निर्माण करते हैं उसमें सबसे पहला आता है आपका कागज़, पेपर का आप यूज़ करते हैं ना, करते हैं आप सभी पेपर का यूज़, उसका निर्माण किससे होता है? बिना रेशो की तो हम डायरेक्ट जो हमारी वनस्पति होती है या पेड़ पौधे होते हैं इन्हीं से तो हम इसका निर्माण करते हैं, है ना। तो देखिए कागज़ का निर्माण जो किया था सबसे पहले 1968 में किया गया था, ठीक है। देखो वैसे तो कागज़ को कोई रेशा नहीं कहते हैं लेकिन फिर भी इसका यूज़ कहीं कहीं पे किया जाता है कई जगहों के ऊपर। इसका जो कंटेंट होता है ना वो बिल्कुल हमारा जैसे रेयॉन में जो हम यूज़ करते हैं उसका इसका लगभग सेम होता है, उसमें और केमिकल्स को ऐड करके कपड़े जैसा बना लिया जाता है और इसको पेपर के रूप में बना लिया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि देखो आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनने लगी जिसको आप कहते हो डिस्पोजेबल आइटम्स, है ना। डिस्पोजेबल आइटम्स वो होते हैं जिनको वन टाइम यूज़ करके हम क्या करते हैं फेंक देते हैं, या वन या टू टाइम्स हम उनका यूज़ करके हम उनको फेंक देते हैं, वो डिस्पोजेबल गुड्स कहलाते हैं हमारे, ठीक है, ये आइटम्स कहलाते हैं। इन डिस्पोजेबल आइटम्स को बनाने के लिए हमको कागज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो क्या है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा जैसे कि आपने देखा होगा जो आपके नैपकिन्स आते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ आते हैं, टिश्यू पेपर्स आते हैं ना, वो किसके बने हुए होते हैं? वो कागज़ के ही तो बने हुए होते हैं सारे, लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं। आप जैसे शादी पार्टीज़ में जाते हो तो आप करते हो ना, जैसे लंच डिनर या कोई ब्रेकफास्ट कर रहे हो, कोई भी पार्टी है तो उसमें जो प्लेट्स या कटलरीज रखी होती हैं उनके साथ में आपके पास आपके लिए टिश्यू पेपर्स भी होते हैं। आप होटल्स में जाते हो खाना खाने के लिए, वहाँ पर भी आपको नैपकिन्स और टिश्यूज़ मिलते हैं साथ में, है ना। तो वो किसके बने होते हैं? वो पेपर के ही बने हुए होते हैं जिनको हम एक्चुअली यूज़ करते हैं, ठीक है। आप इनको यूज़ करोगे वन टाइम के बाद में, आप उसके बाद में इनको फेंक देते हो, ठीक है, ये रीयूज़ नहीं किए जा सकते हैं, है ना, इनका ये कि ड्रॉबैक ही होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, देखो कागज़ का जो अगर कोई कपड़ा बनाना है या ऐसा आइटम बनाना है तो उसको मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसके ऊपर नायलॉन की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। कागज़ की जो वस्त्र बनाया जाता है ना उसके ऊपर क्या करते हैं, नायलॉन की एक लेयर बना दी जाती है। इस परत को बनाने से क्या होती है, उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, ठीक है, मजबूती आ जाती है उसके अंतर्गत। अब जब मजबूती आ जाएगी तो आप उसको आराम से यूज़ कर पाओगे और साथ ही साथ आप इसको अच्छे ब्राइट कलर्स, ठीक है, डार्क कलर से सुंदर सुंदर रंगों से आप इनको रंग सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए जैसे टेबल कवर्स हो गए, नैपकिन्स हो गए, कुछ बिछाने के कपड़े आते हैं वो हो गए, ठीक है, और जो कुछ ऐसी इमरजेंसी ब्लैंकेट्स होती है या कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं ना वो भी इससे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसका आपका एग्जांपल था ये। इसके अलावा जैसे कि बैग है, कुछ पेपर बैग्स भी तो बनाते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, थैले बनाए जाते हैं, आजकल तो जो पॉलीथिन्स बनती है वो भी इसी टाइप के मटेरियल की बनती है, वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो लेकिन वो एकदम कपड़ा भी नहीं होता, एकदम अखबार भी नहीं होता, इनके बीच की चीज़ होती है, ठीक है, तो हम उसको भी यूज़ करते हैं। सेकेंड आता है कागज़ के बाद में जो आपकी प्लास्टिक फिल्म, आपकी प्लास्टिक फिल्म या शीट जिसको कहते हो, ठीक है। अब देखो प्लास्टिक फिल्म या शीट बनाने के लिए क्या किया जाता है, विस्कोस सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। जो विस्कोस सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है ना उसको क्या करते हैं कि देखो स्पिनरेट से निकालते हैं, स्पिनरेट से पास करोगे, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि देखो स्पिनरेट से जब हम पास करते हैं तब तो हम उससे क्या बना लेते हैं, फाइबर्स बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, स्पिनरेट से पास अगर आप करते हो तो उसके अंदर ऐसी जाली नहीं लगाई जाती है, ठीक है, जाली नहीं लगा करके हम क्या करते हैं स्पिनरेट को तो यहाँ से कट कर देते हैं। मीन्स देखिए हम यूजुअली जब फाइबर बनाते तब क्या करते हैं, विस्कस सॉल्यूशन लेकर के उसको स्पिनरेट से पास करके फाइबर्स बनाते हैं। अब हमने क्या किया, स्पिनरेट वाला और फाइबर वाला फंडा तो यहाँ से हटा दिया और हमने इसका क्या किया, इस विस्कस सॉल्यूशन की एक शीट तैयार करी, हमने एक लेयर या एक परत तैयार करते हैं हम, ठीक है। ये जो आप शीट या परत तैयार करते हो ना चौड़ी चादर के रूप में, इसको फैला करके और फिर इसकी अच्छी शीट बना ली जाती है, ठीक है। इसकी शीट बनाओगे तो देखो ये क्या होती है, एक तो बहुत ही लाइट वेट होती है, बहुत ही वज़न में हल्की होती है, एकदम फाइन होती है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट भी होती है साथ ही साथ में, ठीक है। इससे बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें बनाई जा सकती है, ठीक है, और आप चाहो तो इनको कलर्ड भी रख सकते हो, ठीक है। और इसका
किसी दूसरी चीज़, जैसे कि अगर आप कोई कपड़ा यूज़ कर रहे हो तो कपड़े के ऊपर या कपड़े के नीचे इस फिल्म को लगा करके भी आप उसकी अट्रैक्टिवनेस को बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगला आता है आपका जो थर्ड है वो है पॉलीयूरेथीन फिल्म। पॉलीयूरेथीन फिल्म, देखिए पॉलीयूरेथीन जो फिल्म होती है, देखो इसको फोम भी कहते हैं, ठीक है, पॉलीयूरेथीन फिल्म या फोम। देखिए आपने ये फोम देखा है, ठीक है, ये फोम देखा हुआ आपने देखा, जैसे कि जो बैग्स बनाते हैं, ठीक है, एक तो हमारे रेडीमेड मार्केट वाले बैग्स आते हैं, इसी के अंदर आपने देखा होगा कुछ गद्देदार सा अंदर लगा हुआ रहता है, ठीक है, एक फोम होता है। या फिर आपने देखा होगा जो कि आप बैग जैसे किसी टेलर से स्टिच करवाते हैं कपड़ों के, तो वो क्या करते हैं कि उस बैग को एक बॉडी या एक शेप देने के लिए एक फोम का यूज़ करते हैं। बहुत ही पतली शीट आती है और वो बेज या क्रीम कलर की होती है, ठीक है, और आप देखते हो उसके अंदर इतने सारे छोटे 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 मतलब छेद टाइप दाने दाने से आपको दिखते हैं और बिल्कुल पतली होती है वो, ठीक है, लगभग शायद आधा सेंटीमीटर जितनी होती होगी वो, मुश्किल से, है ना, इतनी सी मोटी ही होती है, साथ में आधा सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर समथिंग होती है, और जब आप उसको दबाते हो तो पूरी प्रेस हो जाती है वो, ठीक है, और जब आप छोड़ते हो तो वापस फूल जाती है। वो आपकी बेसिकली पॉलीयूरेथीन फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि देखो हम जो प्लास्टिक फिल्म या शीट बनाने के लिए जो विस्कोस घोल का यहाँ पर यूज़ करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है, एक विस्कोस घोल तैयार किया जाता है और उसके अंदर क्या कर दी जाती है, एयर जो होती है ना, एयर बबल्स बना दिए जाते हैं, हवा डाली जाती है उसके अंदर। जब हवा डालते हैं ना तो उससे क्या होता है कि ये जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। जब आयतन बढ़ जाता है ना तो उसके बाद में क्या होता है, अब इसको एक ही तरीके से बिछा करके फिर इसको सुखा दिया जाता है, ठीक है। तो सुखा देने से जो आपकी बनती है ये पॉलीयूरेथीन फोम बन जाती है, ठीक है। अब देखो आप चाहो तो इसको अलग अलग कलर्स में भी प्रिपेयर करवा सकते हो। कैसे, जैसे बेज कलर तो इसका एक नॉर्मल सा कलर होता है, इसके अलावा आप कोई भी दूसरा रंग बिरंगा रंग चाहते हो इसके लिए तो वो इसमें जो विस्कोस घोल इसका बनाया जाता है ना सॉल्यूशन, उसी में आप इसका कलर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर एयर बबल्स पास कर दिए जाते हैं इसमें तो वो फूल जाता है सॉल्यूशन, ठीक है। मींस अगर वो उसका अभी आयतन था, मतलब कि अगर कोई बर्तन है ना उसमें अगर ये इतना भरा हुआ था, तो अब हमने क्या करी, यहाँ पे एयर इनकॉर्पोरेट करते हैं ना जब हम इसमें, तो इसका जो आयतन ये था ना पहले, ये अब वो बढ़ करके इतना हो जाता है, मतलब क्योंकि इतनी एयर उसके अंदर भर दी जाती है, तो इतने छोटे 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 बबल्स बन जाते हैं उसके, जिसकी वजह से वो क्या होता है, फोमी हो जाता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर फोमी हो जाता है। अब देखो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, इसकी स्ट्रेंथ भी ठीक होती है, देखने में अच्छा अट्रैक्टिव भी लगता है, ठीक है, और काफ़ी कोमल भी होता है ये, और साथ ही साथ में किसी चीज़ को या किसी आइटम को अगर कोई बॉडी प्रदान करनी हो, एक शेप देना हो, तो उसके लिए परफेक्ट होते हैं, ठीक है। आप देखिएगा आपके जो बैग्स होते हैं ना, बैग्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे कि पर्सेज हो गए, ट्रैवल बैग्स हो गए, स्लिंग बैग्स हो गए, बच्चों के स्कूल बैग्स जो होते हैं उसमें, और स्पेशली जो हम टेलर से स्टिच करवाते हैं हैंड स्टिच किए हुए बैग्स, उसमें भी ये रखे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए फोम को ना डायरेक्टली कपड़े के जैसे यूज़ नहीं करता है ना, क्योंकि क्या होता है कि इसकी स्ट्रेंथ तो ठीक होती है लेकिन क्या ये कंफर्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है, और स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा भार या कुछ डाल दिया जाए इसके ऊपर तो ये तुरंत फट जाते हैं, इसलिए इनको सैंडविच लाइनिंग के जैसे यूज़ किया जाता है। मीन्स ऊपर भी एक लाइनिंग, नीचे भी एक लाइनिंग, बीच में ये जो फोम होता है ना, फोम रखा जाता है और ऊपर भी एक लेयर होती है, नीचे भी एक इसमें लेयर रखी जाती है, ठीक है। ये लेयर रख देने से क्या होता है, अब इसको क्या होता है कि एक बॉडी मिल जाती है, जैसे कि कुशनिंग देने के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ किसी चीज़ के अंदर भराई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपके ये आता है ना गद्दे आते हैं जैसे, तो वो तो हमने सबसे पतली वाली शीट की बात करी थी, अब थोड़ी मोटी अगर अपन बात करें तो जैसे कि स्पंज होता है आपका, वो भी पॉलीयूरेथीन फोम का ही एग्जांपल है, ठीक है। तो जैसे कि चेयर्स में फोम लगा हुआ होता है, आपके जो मैट्रेसेस आते हैं उसमें फोम होता है, ठीक है, कुशंस में होता है, सोफ़ा में फोम होता है, तो ये सारा फोम क्या है, पॉलीयूरेथीन फोम ही तो होता है वो सारा, ठीक है। तो
इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ ये एक हीट रेजिस्टेंट के रूप में भी काम करता है और इसके अलावा ये एक इंसुलेटर के रूप में भी काम करता है, अर्थात ताप को इधर उधर फैलने से रोकता है, ठीक है, बनाए रखता है। यह फोर्थ आता है टेपा क्लोथ। देखिए जो टेपा क्लोथ, इसको या टापा क्लोथ भी कहते हैं, इसका जो निर्माण होता है ना वो किससे किया जाता है, मलबेरी ट्री से। मलबेरी ट्री जो होती है ना, इसकी जो पूरी बाहर की जो कवरिंग होती है, ठीक है, कवरिंग कहो या फिर छाल कहो ना, उससे इसको बनाया जाता है। अच्छा, मलबेरी ट्री को हम कहते हैं शहतूत का पेड़, ठीक है, शहतूत के पेड़ से बनाई जाती है। तो बेसिकली जो इसकी कवरिंग होती है ना, उसको निकाल लिया जाता है, फिर उसके बाद में इसको अच्छे से गला करके कूट करके, और फिर इसके बाद में इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब ये जो कपड़ा बनाया जाएगा ना, इससे जो फैब्रिक बनेगा, ये फैब्रिक जो होता है बहुत सारी लेयर्स को जोड़ करके बनाया जाता है, ठीक है, बहुत सारी लेयर को जोड़ के बनाते हैं, सिंगल लेयर से नहीं होता है। इसका बेसिकली जो कलर होता है ना वो येलो टू ब्राउन इसका कलर होता है, ठीक है, येलो टू ब्राउन इसका कलर होता है बेसिकली, और बहुत सारी परतों के साथ में बनाते हैं। अब क्या है, इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बना देते हैं, बहुत अट्रैक्टिव कलर्स लगा देते हैं ना, तो ये दिखने में बड़ा सुंदर दिखने लग जाता है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, देख करके बहुत ही अच्छा लगेगा ये। तो देखिए ये चारों मेथड थे जिससे कि हम बेसिकली बिना रेशो के हम कपड़े का निर्माण कर सकते हैं, कागज़ का निर्माण कर सकते हैं। अब कागज़ से कितनी सारी चीज़ें बनती है, एग्जाम्पल्स हमने सारे के सारे डिस्कस किए हैं, जैसे कि आपके डिस्पोजेबल आइटम्स बनते हैं, नैपकिन्स बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ ग्लासेस वगैरह ये भी बनती है, उसके अलावा टेबल क्लॉथ है, ये ऐसे आइटम्स भी बनाए जाते हैं इससे, ठीक है। अच्छा, आपने कई सारे ऐसे फैब्रिक्स देखे होंगे ना कि ऊपर से तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ प्लास्टिक है इस टाइप का है, लेकिन अदर साइड में जब आप उसकी बैक साइड देखते हैं ना तो आपको एकदम कागज़ जैसा उससे फील आता है ना, ऐसे भी बहुत सारे फैब्रिक होते हैं। ये बेसिकली डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनका यूज़ बेसिकली डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए किया जाता है, जैसे कि किसी को ढकाने के लिए या अपहोल्स्ट्री के रूप में ऐसी चीज़ें इससे बनाई जाती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, डेकोरेटिव एस्पेक्ट को भी फुलफ़िल कर देते हैं। इजी टू क्लीन होता है ये, ठीक है। इजी टू क्लीन कैसे होते हैं, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर क्या बात करी, इसके ऊपर एक नायलॉन की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, तो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। अब नायलॉन की लेयर चढ़ा दी हमने या उसके ऊपर एक प्लास्टिक की पतली लेयर चढ़ा दी, तो वो क्या होती है, एक तो वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है, पानी उसके ऊपर असर नहीं कर पाता। तो अब क्या होगा कि अगर सपोज़ ये गंदा होता है, ठीक है, अगर ये डर्टी है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको वाइप कर सकते हो गीले कपड़े से, वाइप विथ वेट क्लोथ, ठीक है। आप गीले कपड़े से इसको इजीली क्लीन कर सकते हो, तो उससे क्या है कि ये आपके लिए मेंटेन करने के लिए बहुत ईजी सरल हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के तो होते हैं आपके ये कागज़ के। प्लास्टिक फिल्म और शीट्स का आपको पता चल गया कि विस्कस सॉल्यूशन बना लिया जाता है, फिर उससे एक शीट बनाते हैं लाइट वेट। अब इसका यूज़ भी ऐसे ही किया जा सकता है कि मतलब आप नीचे या ऊपर इसमें फैब्रिक रखें, तो एक तरफ तो प्लास्टिक शीट और उसके नीचे फैब्रिक, या फिर ऊपर फैब्रिक नीचे प्लास्टिक शीट, उसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपके जो रेन कोट्स बनते हैं, रेन कोट्स में क्या होता है बेसिकली, अंदर की तरफ तो उसमें क्या होती है, कुछ कॉटन टाइप की ऐसी कोई कंफर्टेबल लाइनिंग होती है जो कि आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करे, और उसके ऊपर जो होती है एक प्लास्टिक की या फिर नायलॉन की उसके ऊपर भी एक परत होती है, लेकिन ये एक्चुअली पहनने के काम आते हैं ये सब सामान, ठीक है। या फिर आपको जैसे कि आपने देखे होंगे ये आपके कार के कवर्स आते हैं, ठीक है, या फिर जो स्कूटीज़ के व्हीकल्स के जो कवर्स होते हैं ना वो भी इनसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो बेसिकली आपके जो सामान होंगे, मशीन्स होती है या व्हीकल्स होते हैं, उनको गीला नहीं होने देते हैं, उनको पानी से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि ये पॉलीयूरेथेन फोम आ गया। पॉलीयूरेथेन फोम बेसिकली जो आपका फोम होता है ना, स्पॉन्ज जिसको आप कहते हो, ठीक है, स्पॉन्ज इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। स्पॉन्ज में क्या होता है बेसिकली, एक मोटा, देखो स्पॉन्ज बहुत मोटे से एकदम पतले तक आ सकता है। सबसे पहले हमने बिल्कुल इसकी थिन लेयर की बात करी थी, जिसको हम बैग्स वगैरह में या कुछ भी सामान बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है।
इसके अलावा स्पॉन्ज का यूज़ बहुत जगहों पे किया जाता है, मींस आपकी जो बसेज होती हैं, कार्स होती हैं, इसमें भी सीट के ऊपर लगाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। चेयर्स में किया जाता है, सोफ़ाज़ वगैरह में किया जाता है, ठीक है, बेड वगैरह तक में किया जाता है इसका यूज़। इसके अलावा हम क्लीनिंग करने के लिए भी स्पॉन्ज का या फोम का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आप क्या करते हो, इसको शैम्पू या फिर किसी सोपी सोल्यूशन में आप डिप करते हो, और फिर उसको कोई ऐसा सामान आपको साफ़ करना जो कि बहुत डेलिकेट है, जैसे कि कार के कांच साफ़ करना है आपको, घर का कांच साफ़ करना है, ठीक है, विंडोज़ के कांच साफ़ करना है, या कोई डेकोरेटिव आइटम ऐसा है जो काफ़ी कॉस्टली है और उस पर कोई भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए, तो आप उन चीज़ों को इनसे क्लीन करते हो स्पॉन्ज से, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को तो स्पॉन्ज से नहलाया भी जाता है, लोग नहाने के लिए भी स्पॉन्ज यूज़ करते हैं। और फिर आता है आपका टेपा क्लोथ, जो कि बेसिकली शहतूत के पेड़ से बनाया जाता है। उसकी छाल को निकालते हैं, गलाते हैं, कूटते हैं, और उसके बाद उससे फैब्रिक बनाते हैं जो कि मल्टी लेयर होता है, ठीक है। अब आपको जैसा कलर चाहते हो इन सभी में आप वैसा कलर प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, वैसा कलर आप इसके अंदर डाल सकते हो ताकि आप उसको उसके अकॉर्डिंग यूज़ करो। तो आपके दोनों पर्पज़ को ही सॉल्व कर लेते हैं, और साथ में दिखने में भी ये बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये तो था बिना रेशों के वस्त्र का निर्माण। अब आपने देख लिया आप डेली लाइफ में इन सभी का यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे अगली, रेशों के द्वारा वस्त्र का निर्माण कैसे किया जाता है, या फाइबर्स के थ्रू कैसे फैब्रिक को बनाया जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।